मौजूद हजरात अस्सलाम वालेकुम। एक ज़रूरी ऐलान ये है कि हर साल की तरह खुतबुद्दवायर अशरफुल मआसिर सैयद बरहक आरिफ कामिल हज़रत सैयदना सैयद शाह ताहर खादरी रहमतुल्लाह अलैह अल हमवी का सालाना 328वां सालाना उर्स मनाया जा रहा है और संदल और उर्स की तारीख़ शहर में मुख्तलिफ तौर से बताया जा रहा है, मगर इस तारीख़ को जो है मुकर्रर हुआ है इस महीने के अंग्रेज़ी हिसाब से 21 दिसंबर बरोज़ मंगल संदल शरीफ होगा, बाद मगरिब के संदल माली के किया जाएगा और चाशुंबे के दिन 22 दिसंबर को उर्स शरीफ और 23 जुमेरात के दिन ज़ियारत शरीफ होंगे। इससे हटकर लोग जो है गलत फहमी में मत रहें, दोबारा गुजारिश है कि 21 दिसंबर 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को मनाया जाएगा। शुक्रिया। मेरा नाम सैयद शाह महमूद खादरी इस बारगाह का सज्जादा नशीन हूँ, लिहाजा मैं ज़रूरी समझा कि आप लोगों को इतला करूँ। शुक्रिया। बरकातु अदोनी शहर के तमाम लोगों तक ये खबर पहुंच चुकी थी कि 21 दिसंबर को हज़रत का संदल शरीफ है, तो कुछ लोगों ने जो है 22 को कहा, तो लोग जो है कश्मकश में है, इसलिए साहिब सज्जादा नशीन ने वजाहत फरमा दी कि इंशाअल्लाह तबारक व ताला संदल शरीफ जो है वो 21 तारीख बरोज़ मंगल को होगा और उर्स शरीफ जो है 22 दिसंबर बरोज़ चारशुंबे को उर्स शरीफ रहेगा और बरोज़ जुमेरात को ज़ियारत रहेगी। तो आप लोग जो है साहिब सज्जादा की इस बात को आगे लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोग जो है गलत फहमी में ना रहें और तमाम लोग उर्स शरीफ में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएँ। मैं ग़ुलाम जीलानी ख़तीब व इमाम बारगाह हज़रत सैयदना ताहिर शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और इस संदल उरुस और ज़ियारत की जो तैयारी होना है इसमें हर हर शहर के जो है रईस हिस्सा लिए ही, मैं जिनके नाम जो है बिल्कुल सामने ज़ाहिर करना मुनासिब नहीं समझता कि जो भी दिलवाले हजरात हैं। अब मिसाल के तौर पर कई शरीफ लोग जो आते हैं पेंटिंग के लिए काफ़ी रकम दिए हैं और दरगाह के इंतज़ाम के लिए एक बड़ा मंडप बनाए हैं, रूमा का इंतज़ाम करें और दूसरे सहूलत के वास्ते और लंगर के लिए भी जो है अपना ताउन आगे बढ़ाए हैं। इसी तरह वो ख्याल रख कर आएँ ताकि हमारे को सहूलत हो संदल और उर्स के अखराजात को मीट करने के लिए मिलने के लिए। जो भी हजरात साहब इस्तेतात हैं उनसे गुजारिश है कि वह दरगाह में जितना भी चाहे जो है अपने जानिब से देकर इसके अखराजात को मिलने की सहूलत करें। इसी ज़िमन में एक और ऐलान, ज़रूरी ऐलान ये है कि बरोज़ संदल 21 मंगल की रात ईशा की नमाज के बाद लंगर का अहतमाम किया गया है। तमाम हजरात से गुजारिश है कि लंगर खाएं और उसके बाद 9:30 या 9 बजे जैसी सहूलत हो। अब शहर के दो अजीम मौलाना का बयान रखा गया है, एक है मौलाना मुफ्ती आसिफुद्दीन साहब खादरी निज़ामी और एक जो है मोहम्मद हनीफ़ साहब खादरी निज़ामी का बयान होगा। इस बयान में भी जो है कसरत से शिरकत फरमा कर सवाब दारैन हासिल करें। पाबंदियाँ ही इसका भी ऐलान करना ज़रूरी समझता हूँ कि ख़ास तौर पर जो पाबंदियाँ हैं मास्क लगाना मुंह पर और डिस्टेंस मेंटेन करना, इसकी भी अहम ज़रूरत है। लिहाजा जहाँ तक आएंगे आप इत्मीनान से आएँ, मास्क लेके आएँ और डिस्टेंस को जो है बरकरार रखें ताकि हुकूमत की जानिब से हो या पुलिस की जानिब से हो किसी किस्म का एतराज़ ना हो, हल्ला ना हो, तो इसका भी एहतियात बरतना ज़रूरी है। ये भी ऐलान किया जा रहा है।